हे एवरीबॉडी, व्हाट्स अप दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जब हम इंग्लिश में किसी से मिलते हैं तो हमें कैसे कैसे उससे मिलना चाहिए, कैसे उसका अभिवादन करना चाहिए, उससे क्या क्या बात करनी चाहिए? तो दोस्तों, ये पहला कदम होता है इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने का। किसी से भी बातचीत करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है मिलना और अभिवादन करना, मीट एंड ग्रीट। और यही दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा, मीट एंड ग्रीट। मीट का मतलब होता है मिलना और ग्रीट का मीनिंग होता है अभिवादन करना। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, तो हम इंग्लिश में कैसे कैसे बोल सकते हैं यही आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, मीट एंड ग्रीट को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, सिंपल ग्रीटिंग्स में एंड जनरल ग्रीटिंग्स में। सिंपल ग्रीटिंग्स में हाय, हेलो, ये सब बोलते हैं, और जनरल ग्रीटिंग्स में हम पूछते हैं आप कैसे हो। तो दोस्तों, हम एक एक करके सीखते हैं। पहले हम सिंपल ग्रीटिंग सीखेंगे कि अगर हमको हाय, हेलो, ये सब बोलना है तो हम कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो टर्म है वो है हाय। किसी से मिलते हैं हाय, या नाम ले सकते हैं हाय राहुल, हाय स्वाति, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो हाय, या हम बोल सकते हैं हेलो। तो दोस्तों, ये दोनों तो आप पहले से भी जानते ही होंगे क्योंकि ये दोनों सबसे ज़्यादा चलते हैं हमारे देश में, हाय, हेलो। उसके बाद है, जैसे आपने कहा हाय, वैसे आप बोल सकते हैं हाय देयर, हाय देयर, या तो बोल सकते हैं हाय, या बोल सकते हैं हाय देयर, या बोल सकते हैं हेलो देयर। जैसे आप बोल रहे हैं हेलो, वैसे आप बोल सकते हैं हेलो देयर। तो हाय, हेलो, हाय देयर, हेलो देयर, वैसे बोल सकते दोस्तों हाय। या का मीनिंग होता है दोस्तों यू। या जो है वो यू का ही शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आप बोलते हैं किसी को कि मैं तुमसे मिलता हूँ, सी यू, तो आप बोल सकते हैं सी या। वैसे ही यहाँ कहा गया हाय या। ये दोस्तों अमेरिकन इंग्लिश से आया है और अब तो पूरी दुनिया में बोलते लोग इसको हाय या, यानी हम हिंदी में बोलते ना और भाई, तो वैसे ही है कुछ कुछ ये हाय या। तो ये भी बोल सकते हैं आप, नहीं तो आप बोल सकते हैं हाउडी। हाउडी दोस्तों साउथ अमेरिका से निकला हुआ टर्म है। हाउडी का मीनिंग होता है आप कैसे हो, या हाय बोलना या हाउ आर यू बोलना, दोनों ही टर्म्स में इस्तेमाल होता है हाउडी। तो ऐसे बोल सकते हैं आप, और नहीं तो बोल सकते हैं हे। हे का भी मीनिंग दोस्तों वही है जो हाय का मीनिंग होता है हे। जैसे बोलते हैं हाय राहुल, वैसे बोल सकते हैं हे राहुल। या दोस्तों जो ये वर्ड है स्लैंग है बिल्कुल, वहाँ यूएस में बहुत ज़्यादा, मतलब जो डेली लाइफ की जो इंग्लिश है उसमें इस्तेमाल होता है यो। तो यो का भी मीनिंग वही है जो हाय का मीनिंग होता है। जैसे आप बोल सकते हैं हाय राहुल, तो आप बोल सकते हैं यो राहुल। तो इन सब का मीनिंग एक ही है, वो है हाय बोलना। जैसे हम बोलते हैं हाय, तो हाय की जगह पे आप ये सारे वर्ड्स बोल सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इनकी मदद से अब आपकी इंग्लिश थोड़ी सी और भी अच्छी हो जाएगी और आप अलग अलग तरीकों से किसी को हाय बोल पाएंगे। अब हम आते हैं जनरल ग्रीटिंग्स पे, कि अगर हमें ये पूछना हो किसी से कि आप कैसे हो तो हम कैसे कैसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो वही है हाउ डू यू डू। ये फॉर्मल है दोस्तों, ये औपचारिकता भरा हुआ सेंटेंस है। जैसे आपको जहाँ पर आपसे बड़ी उम्र के लोग हैं या आपको थोड़ी सी औपचारिकता निभानी है, उधर आप बोल सकते हैं हाय, हाउ डू यू डू। तो ये फॉर्मल है और बाकी सारे इनफॉर्मल हैं। उसके बाद है हाउ आर यू। तो हाउ आर यू भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीकों से यूज़ हो सकता है। कहने का लहजा थोड़ा सा वैसा होना चाहिए। अगर आप फॉर्मल में बोलना चाहते हैं तो आप इसको फॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं हाय, हाउ आर यू, तो ये फॉर्मल हो जाएगा, और हाय, हाउ आर यू, तो ये इनफॉर्मल हो जाएगा। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही हो सकता है हाउ आर यू। और उसके बाद जो है वो सारे के सारे इनफॉर्मल हैं, यानी कि जो डेली लाइफ में दोस्तों के साथ जो इंग्लिश हम बोलते हैं वो वाले सेंटेंसेस हैं। तो किसी ने कहा हाउ इज इट गोइंग, तो ये दोस्तों हाउज, ये हाउ इज का शॉर्ट फॉर्म है हाउज। यहाँ मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया है हाउ इज इट गोइंग। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, इसको पढ़ेंगे हाउज। जब लिखेंगे शॉर्ट में तो पढ़ना भी शॉर्ट में चाहिए हाउज इट, हाउ इज इट गोइंग, ऐसे बोल सकते हैं आप, या फुल बोल सकते हैं फुल सेंटेंस हाउ इज इट गोइंग। तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, कि सब कुछ कैसा चल रहा है, जिंदगी कैसी चल रही है, उसके बारे में हाउ इज इट गोइंग। मीनिंग सबका दोस्तों एक ही है कि क्या हाल है, कैसा क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, आपका काम कैसा चल रहा है, आप कैसे हो, मीनिंग सबका वही है। उसके बाद है हाउ इज एवरीथिंग, यानी फुल फॉर्म है इसका हाउ इज एवरीथिंग, उसी को शॉर्ट में बोला हाउ इज एवरीथिंग, यानी सब कुछ कैसा है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तो आप ये भी बोल सकते हैं। नहीं तो बोल सकते हो दोस्तों हाउ यू बीन, तो दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म ही है हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन ग्रामेटिकली करेक्ट है पूरा, और जब स्पोकन में बोलते हैं तो वो हैव हटा के बोलते हैं लोग हाउ यू बीन, इसको ग्रामेटिकली गलत कहा जा सकता है बट बोलचाल में यही चलता है हाउ यू बीन, यानी कि पिछली बार जब मिले थे और अब जब मिल रहे हैं तो इस पूरे दौरान आप कैसे रहे हो, यानी आपका क्या हाल रहा है, आपकी ज़िंदगी कैसी चलती हुई आ रही है, तो हाउ यू बीन। और उसके बाद है दोस्तों ये व्हाट्सएप, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है कि इसके नाम पे ऐप भी है व्हाट्सएप, जिसको आज पूरी दुनिया चला रही है। तो हम पूछ सकते हैं किसे व्हाट्सएप, हे व्हाट्सएप,
यानी क्या हाल है, क्या चल रहा है। व्हाट्सएप को दोस्तों शॉर्ट में व्हाट्सएप या व्हाट्सएप भी बोल सकते हैं आप। ये दोनों इनकरेक्ट हैं, वैसे तो गलत हैं बोलने के लिए, लेकिन स्पोकन में चलते हैं तो या तो आप पूरा करेक्ट जो है वो बोल सकते हैं व्हाट्सएप, या बोल सकते हैं व्हाट्सएप या व्हाट्सएप। तो ये भी आप बोल सकते हैं किसी ये पूछने के लिए कि क्या हाल है, कैसा चल रहा है, जिंदगी कैसी चल रही है। या दोस्तों हम बोल सकते हैं व्हाट्स न्यू, जैसे हिंदी में हम पूछते हैं ना, और भाई नई ताजी सुनाओ क्या है, तो उसको आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं हे व्हाट्स न्यू। दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं आप, या हाय व्हाट्स न्यू, या हे व्हाट्स न्यू, ऐसे तो की नई ताजी क्या है। या हम बोल सकते हैं किसी को व्हाट्स गोइंग ऑन, इसका मीनिंग है दोस्तों कि क्या चल रहा है। गो ऑन का मीनिंग तो होना, चलना, व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है। नहीं तो हम पूछ सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग, अब हैपन का भी मीनिंग होता है होना, तो कोई पूछ रहा है व्हाट्स हैपनिंग यानी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। और दोस्तों लास्ट में लिखा है मैंने व्हाट हैव यू बीन अप टू, जैसे कोई पूछ रहा है कि पिछली बार जब हम मिले थे और अब जब हम मिल रहे हैं तो तुम कैसे रहे हो, तुम्हारा क्या हाल रहा है, इस पूरे दौरान तुम क्या क्या करते रहे हो, उस सेंस में पूछा जा रहा है। यानी कि बेसिकली हालचाल ही पूछा जा रहा है कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम कैसे रहे हो, तुम्हारी जिंदगी कैसी चलती आ रही है। तो ये दोस्तों ये पूछने का तरीका है कि आप कैसे हो, आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। तो मीट एंड ग्रीट को, मिलना और अभिवादन करना को, हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, सिंपल ग्रीटिंग्स में, जनरल ग्रीटिंग्स में। हम ऐसे बोल सकते हैं हाय हाउ आर यू, या हाय देयर व्हाट्स अप, या हेलो देयर व्हाट्स न्यू। इस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं, खुद ही अपने पेयर्स बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उनका पेयर बना के आपको बोलना चाहिए। अगर इसमें से तीन तीन चार चार भी अगर आप याद कर लें तो भी आप बड़ी आसानी से अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन, अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन दूसरों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के नाम से, उसमें आपको इस तरह के और भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जिनको सीखने के बाद आपको इंग्लिश बोलने में बड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम फिर एक नई और इंटरेस्टिंग बात सीखेंगे, एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।